एक आशीर्वाद ऋतु बदलिले धरणी निए नुआ रूप और नुआ रंग पृथ्वीर अनेक प्राकृतिक परिवर्तन एहि ऋतु जोगु ही होइथाय तेबे पृथ्वी रे साधारणतः देश मानकरे चारोटी ऋतु अनुभूत हुए किंतु भारत रे छ ऋतु ही अनुभूत करा जाए यथा ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत एवं वसंत भौगोलिक अवस्थान अनुयायी देश मानकरे ऋतु परिवर्तन हुए तेबे केतेक स्थान रे केवल गरम किंबा वर्षा होइथिबा बेले अन्य स्थान रे केवल थंडा रहिथाय हेले आपण जानंती कि पृथ्वी रे एपरी देश रहिछि जोंटी गोटी किंबा दुईटी नुहे बरं 72टी ऋतु अनुभूत हुए वर्ष सारा एहि भिन्न भिन्न ऋतु एठार थिबा लोकंकु प्रभावित करे एपरि कि चाइना कैलेंडर रे 24टी ऋतु रहिछि तेबे आसंतु जानिबा एपरि खास देश विषय रे खास कथा एहि देश हेउछि जापान जापानीज कैलेंडर को 72 ऋतु रे विभक्त करा जायछि वास्तव रे जापानी कैलेंडर रे केवल 24 ऋतु को 4 भाग रे भाग करा जायछि एहि ऋतु गुडीक 15 दिनिया एहर अवधि प्राचीन चाइनीज लुनी सोलर कैलेंडर उपरे आधारित एहा समय मापिबार एक उपाय थिला जेउथरे वर्ष चंद्रर चरण एवं पृथ्वीर सूर्य चारिपटे घूर्णन उपरे आधारित थिला एहि 24 ऋतु को 6 भाग रे बंटा जायछि जेउथरे समुदाय को ऋतु मिसी मोट 72टी ऋतु होइथाय एठारे को अर्थ माइक्रो ऋतु गोटिए को 5 दिनर अटे एहि ऋतु गुडीक संगीतर मूर्छना परि जापानर इकोसिस्टम को प्रतिनिधित्व करे एभली परिस्थिति रे जापान रे विश्वास करा जाय जे प्रति ऋतु नुआ सुजोग आणे जापान रो माइक्रो ऋतु गुडीकर नामकरण षष्ठ शताब्दी रे करा जायतिला जहां मध्यभाग कोरियारु ग्रहण करा जायछि प्रत्येक माइक्रो ऋतु को दिया जायथिबा नामगुडीक मूलतः उत्तर चाइनार जलवायु एवं प्राकृतिक परिवर्तनरु उत्पन्न करा जायछि 1665 रे सिबुकावा सुंकाई नामक जने ज्योतिर्विज्ञानी नामगुडीकर पुनः विचार एवं स्थानीय जलवायु को आधार करी पुनः नामकरण करथिले एहि संशोधित कैलेंडर 1873 पर्यंत व्यवहृत हेउथला परे आधुनिकीकरण पई मेजी सरकार पारंपरिक कैलेंडर प्रणाली को रद्द करी पश्चिम सौर भित्तिक गेग्रोरियन कैलेंडर प्रस्तुत करथिले आज मध्य कृषक मत्स्यजीवी आदि जापान रो पुरुणा कैलेंडर को ही अनुसरण करंदी जापान रे रिसुन उसुई केचिटु सुनबुन सेमी कोकु रिका सोमान बोसु गेसी सोसो तोसास ताइसो रुसु हाकुरो सिबुन कानोरो सोको रिटो सिसोतु ताइसेटु जोटी सोकान डायकान परी समुदाय 72 ऋतु अनुभूत होइथाय ब्यूरो रिपोर्ट नंदीघोष डिजिटल।